मुराद मुराद अली खान नाम है मेरा और भाई नहीं हूँ तुम्हारा मैं हूँ तैफु खान और मैं जो कुछ भी हूं आज मेड इन पाकिस्तान बचपन कैसा था मेरा बचपन बहुत अच्छा था बहुत शरारती था मैं बहुत सारी शरारतें हैं जो आज भी याद करके मैं हंसता हूँ और बड़ा ही एक अजीब सा बच्चा था मैं बच्चे बाहर फिर रहे होते थे और खेल रहे होते थे मैं कहीं बैठा किसी चीज़ को देख कर कुछ इंजॉय कर रहा होता था मुझे याद है लोग कार से डिंकी से खेलते थे तो मुझे डिंकी के साथ खेलने से ज़्यादा उनको डेकोरेट करने का शौक़ था छोटे स्टिकर्स लेके टेप्स लेकर उनको डेकोरेट करता था और कलर्स मुझे बड़े पसंद थे कलरिंग वगैरह करता था वैसे शरारती था मैं शुरू में नहीं था लेकिन जब जैसे लड़कपन की तरफ आया मैं बहुत शरारती हो गया था तो क्या इन शरारतों पे आपको मार भी पड़ती थी बहुत 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 मार पड़ती थी हमें बहुत बल्कि ये आप बैठे हुए हैं जब मार पड़ने लगती थी तो ये जो ये कॉर्नर है मैं यहीं आके चुपता होता था तो वहाँ से भाग के फिर फिर बाद में उनको पता लगा यहाँ चुपते हैं फिर वो यहाँ मार पड़ती थी क्या ले रहा है मेरा मजाक कर रहा है अरे कहां से लाऊं रिश्ता जब भी बात किए कहता लड़का करता क्या नौकरी कर रहा है और नहीं होती नौकरी यार मुझसे छोटी-मोटी अब और पैसे देता नहीं है कारोबार के लिए सैफूर की जवानी कैसी थी सैफूर की जवानी थी क्या है <laughs> <laughs> अच्छा मर मर तो घोड़ा कभी भूला नहीं होता <laughs> जवानी मेरी बहुत अच्छी थी आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग आई थिंक आई हैव लिव्ड लाइफ हैप्पीली कुछ फेजेज होते हैं आपकी लाइफ के जहाँ कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है कुछ बुरे भी थे कुछ फेलियर्स थे कुछ सक्सेसेस थी लेकिन अब ये कि अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि दैट वाज द बेस्ट टाइम जब आपकी ज़िंदगी में कुछ कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होती कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती आपको एक जो एग्ज़ाम होता है एक पेपर होता है वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है बट वो लाइफ से तो बहुत आसान होता है ये है कि आपके दोस्त होते हैं हर वक्त आपके साथ ज़रा सी कोई छोटी गमी खुशी कोई प्रॉब्लम हो तो आपके दोस्त साथ खड़े होते हैं आपके फैमिली आपके भाई बहन खड़े होते हैं और चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती पहले होती भी नहीं थी सिंपल थी अब जरा लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है लोगों के पास मिलने का टाइम नहीं है व्हाट्सएप पे आप बात कर लेते हैं बट सामने बात नहीं होती इवन फैमिली से मिलने का आपको भाई बहनों के साथ मिलने के लिए काफ़ी दिन नहीं मिल पाते तो आई थिंक वो जवानी में एक बड़ा एक सेंस ऑफ फ्रीडम होता है कि आप जहाँ दिल किया खा लिया जहाँ दिल किया सो गए जहाँ दिल किया चले गए प्लान बना तो रात को ही निकल गए अब लगता है कि आप पे ना बंदिशे हो गई बाउंड्रीज हो गई तो और जो बाप के पैसों में मजा होता है वो अपने पैसे में कभी नहीं <laughs> आज लगाए बैठा है यहां छोड़ दे उसका पीछा अभी हाँ यार अभी मरमरा गई कौन सा मोहब्बत कहता है एक एक ऐसा आप क्या कहते हैं एक एक जेल है जो कि आपको इस ज़िंदगी में इंटैक्ट रखती है तो मोहब्बत बहुत ज़रूरी है आई थिंक आई लव माई वर्क मुझे इस काम में होने की कोई और वजह नहीं है सिवाय कि मुझे मोहब्बत है इस काम से मुझे क्रिएटिविटी अच्छी लगती है इस काम में मैं जितना मर्जी करता रहूँ जितनी जितना टफ़ हार्ड वर्क मैं इस काम में कर लेता हूँ मुझे किसी और काम में नहीं कर सकता खाब क्या है तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी के जितने मेजर बड़े डिसीजन्स हैं सबसे बड़े डिसीजन मैंने ख्वाबों पर बेस करके डिसीजन्स किए हैं एक अल्लाह की खास मेहरबानी है मुझ पर कि मुझ, 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 मुझ मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसका मुझे ख्वाब में इशारा हो जाता है और मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला आता है उसका भी मुझे ख्वाब में इशारा हो जाता है मैंने ये काम करना या नहीं करना यह मेरे ख्वाब डिसाइड करते हैं क्योंकि ज़िंदगी में आज जब मैं देखता हूँ जितने जितनी बड़ी चीज़ें मैंने बग़ैर सोचे समझे रिस्क लिया है क्योंकि उसमें मैं बिल्कुल गिर सकता हूँ या बिल्कुल जा सकता हूँ उसमें अगर मुझे इशारा आ गया कि ठीक है तो मैंने किया अलहमदिल्ला वो ठीक हुए तो मेरे लिए ख्वाब बहुत इंपॉर्टेंट है और ख्वाब ख्वाब भी बहुत ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी का बहुत जरूरी है, के, है, बहुत जरूरी है। के लिए ख्वाहिश क्या है ख्वाहिश वही है जो पूरी नहीं हुई ख्वाहिश तो एक फिनमिना है जिसका कोई आंसर नहीं है आपके पास बिकॉज अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो वो एक मोटरसाइकिल जो कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जब आप चाहते थे ज़िंदगी में ये आ जाए तो और कुछ नहीं चाहिए होगा वो जब तक नहीं आती तभी तक ख्वाहिश होती है जब वो मिल जाती है तो वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल रहती है इसी तरह ज़िंदगी में वो कोई शख्स कोई शोहरत दौलत इज्जत सब चीज़ें जब तक ख्वाहिश है तब तक ख्वाहिश है जब मिल गई तो आदत बन जाती है तो आदत तो कोई भी छोड़ी जा सकती है